मेरा नाम रविश कुमार, ये मेरे वीडियो लॉग का पांचवा दिन है। दिन शुक्रवार 15 दिसंबर 2017 सुबह के 9:36 हो चुके हैं। निफ्टी ने काफी अच्छा एक गैप अप मूव दिया है। मैं कुछ टाइम तक वेट एंड वॉच मोड में चला जाऊंगा। मैं देखूंगा कि ये अपना ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू रखता है या रिवर्सल के अगर कोई चांसेज बनते हैं तो मैं सेल करूंगा। तब तक के लिए मैं अपना ये वीडियो पॉज करूंगा। आज मैं अपना अकाउंट शुरू कर रहा हूँ 7,475.74 रुपये से। गुजरात इलेक्शन के एग्जिट पोल आए हैं और उसकी वजह से ये गैप अप मूव देखने को मिल रहा है। काफी एक्साइटमेंट है पूरे मार्केट में और इंडेक्स वाइज जो मेटल का इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है बाइंग साइड के लिए, तो मैं इसमें एक बाई ऑर्डर लगा रहा हूँ। ब्रैकेट ऑर्डर से 1000 क्वांटिटी 130 रुपये 20 पैसे पे। अकॉर्डिंग टू ATR 1 रुपये का स्टॉप लॉस, टारगेट भी 1 रुपये का होगा। ऑर्डर प्लेस्ड। मेरे पिछले लाइव सेशंस काफी लंबे हो रहे हैं तो मैंने डिसाइड किया है कि बीच बीच में मैं अपने वीडियोस को पॉज कर लूंगा, जिससे कि ज्यादा लंबे वीडियोस ना हो, ज्यादा बोरिंग सेशंस ना हो। तो मैं यहाँ पे इसे पॉज करूंगा और लेकिन पॉज करने से पहले मैं अपना ऑर्डर एक बार फिर से वॉच कर रहा हूँ। इसको मैं 130 रुपये प्राइस नहीं चेंज करते हैं। अगर एग्जीक्यूट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। एग्जीक्यूट होने तक मैं ये वीडियो पॉज कर रहा हूँ। 9:51 तक मेरे सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके थे। एवरेज बाइंग प्राइस है 130 रुपये 20 पैसे। स्टॉप लॉस 129 रुपये 20 पैसे का है और टारगेट 131 रुपये 20 पैसे का। बड़ा स्टॉक नहीं है, ज्यादा मूवमेंट के चांसेस कम बनते हैं, इसलिए टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो काफी करीब है। NMDC के 1000 शेयर को मैंने ब्रैकेट ऑर्डर पे लिया है। 6,249.60 रुपये मेरा मार्जिन यूज हो रहा है। अपने डे हाई के करीब ट्रेड करता हुआ NMDC। इसके हाई के ब्रेक होने का वेट करूंगा। अपने हाई पे और हाई को तोड़ता हुआ ऊपर जा रहा है।
2 मिनट में एक नई कैंडल बनने वाली है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। उस कैंडल के अनुसार इस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करूँगा या फिर करंट प्राइस पे एग्जीक्यूट कर लूँगा। ओके, मेरा ऑर्डर कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है। सिर्फ 5 पैसे का प्रॉफिट, 1000 शेयर मैंने बाय किया था 1 रुपए के टारगेट के लिए, लेकिन जो पैटर्न है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है, और इसलिए मैंने सिर्फ 50 रुपये प्रॉफिट पे ये ट्रेड क्लोज कर दिया है। करेंटली मेरा अकाउंट जो है 7525.74 रुपये पे। इस वीडियो को मैं फिर से एक बार पॉज करूँगा ताकि न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने तक आपको बोर ना करूँ। मुझे एक न्यू ट्रेड सेटअप बनता हुआ दिख रहा है ऑरो फार्मा में। मैं इसे 672 रुपये 672.50 रुपये पे सेल करूंगा। ब्रैकेट ऑर्डर से 200 क्वांटिटी। स्टॉप लॉस होगा मेरा लगभग 3.5 रुपए का। टारगेट जो होगा मेरा वो लगभग 10 रुपए का होगा। सर, एक पेंडिंग ऑर्डर है 672.50 रुपये पे। मैंने ऑरो फार्मा को सेल किया है। करेंटली ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। आई होप कि ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करके फिर ये नीचे की तरफ बढ़े। थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा इसको, और करीब ले जाते हैं 672 रुपये पे, बिकॉज ये स्लाइड करना शुरू हो चुका है। हो सकता है मैं इसे कैच ना कर पाऊँ। एक और मॉडिफिकेशन 671.90 रुपये पे। छह सौ 71.50 पे मैं इसे सेल कर रहा हूँ। सिर्फ 174 शेयर मुझे मिल पाए हैं मेरे प्राइस पे। देखता हूँ वापस ये उस लेवल पे जाता है कि नहीं। मेरे 26 शेयर एग्जीक्यूट नहीं हो पाए हैं। एक रुपया नीचे ट्रेड करता हुआ। एक सौ 74 शेयर मैंने सेल किए हैं ऑरो फार्मा के 671.50 रुपये के एवरेज प्राइस पे। करेंटली पूरा पूरा 1.10 रुपया नीचे है ये। इसमें मेरा टारगेट जो है वो 661.50 रुपये पे है। लोवेस्ट इसका 668.20 रुपये तक अभी तक का। कुछ इस लेवल्स पे मेरे टारगेट्स हैं।
200 क्वांटिटी अब मेरे पास आ चुकी है, क्योंकि प्राइस 671.50 रुपये से ऊपर निकल चुका था। इंस्टेंट में भी मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। सो मैं अपना टारगेट करंट प्राइस के आसपास लेकर आता हूँ और इसमें से एग्जीक्यूट होता हूँ। और फार्मा से भी मैंने एग्जिट कर लिया है 30 रुपए के नुकसान पे, ओवरऑल 20 रुपए प्रॉफिट। इसने भी एक रिवर्सल पैटर्न शो किया हुआ है, तो मैं इसे भी निकल रहा हूँ। निफ्टी साइडवेज में मूव कर रही है, सो फिलहाल मुझे कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं मिलेगा। अभी के लिए मैं ये वीडियो यहीं पॉज करता हूँ, और कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। मुझे इन्फी में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, सो मैं इसमें एक छोटा सा ट्रेड लेना चाहूँगा। बाई 1015.85, ओके 1015.85 पे मैं 150 शेयर बाई कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस जो होगा इसमें आज का लो 1013 रुपये का, यानी कि 2.85 रुपये का। टारगेट इसमें 5 रुपये का होगा। बाय मेरा ट्रेड कम एग्जीक्यूट हो चुका है। एवरेज बाइंग प्राइस 1015.75 रुपये, स्टॉप लॉस 1012.90 रुपये का है। आज से लो से 10 पैसे आज के ओपन के पास में लगा हुआ है मेरा स्टॉप लॉस, और 1020.75 रुपये का टारगेट।
एनपी को भी मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है। करंटली मैंने 3 ट्रेड लिया जिसमें से एक प्रॉफिट था। कोई ज़्यादा मूवमेंट मुझे किसी में देखने को नहीं मिली। मैंने एनएमडीसी में 1 रुपये का स्टॉप वो टारगेट रखा था, लेकिन 50-60 पैसे 70 पैसे तक मूव किया और फिर वापस आ गया, तो इसमें भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाया। ओवरऑल 12 रुपये 50 पैसे प्रॉफिट पे। फिलहाल मार्केट एकदम से 5-10 पॉइंट के बीच में घूम रही है, तो इसलिए कोई भी स्टॉक्स में मुझे मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज तलाश करता रहूँगा तो सिर्फ मुझे ब्रोकरेज पे करने को मिलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। आज का ट्रेड मैं अभी फिलहाल इन्हीं पे स्टॉक करता हूँ और क्लोजिंग के टाइम एक बार फिर से वॉच करूंगा अपने स्मार्टफोन पे। अगर मुझे कोई मौका मिलता है तो मैं उसे भी इस वीडियो में अटैच करूंगा। और अभी भी मुझे होप है कि ये वीडियो मैं प्रॉफिट में, एक अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज करूं। उसके लिए निफ्टी अपना रेंज तोड़े मैं उसके वॉच करूंगा। तब तक लिए मैं ये वीडियो पॉज करता हूँ। मैंने इन्फी में एक बार और एंट्री ली है, कवर ऑर्डर लिया है, 150 शेयर बाई किया है 119 रुपये 25 पैसे के एवरेज प्राइस पे। करेंटली ये अपने डे के हाई पे चल रहा है। निफ्टी का उतना सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये शेयर जो है अपने डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। काफ़ी अच्छी मूव है, 285 315 रुपये के प्रॉफिट में। जीरोधा में कवर ऑर्डर एक ऑप्शन है जिसमें करंट मार्केट पे बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाने का सिर्फ ऑप्शन होता है। इस स्टॉप लॉस को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, अपने बाइंग प्राइस पे ला सकता हूँ, लेकिन एनपी में मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 रुपये का, तो अभी वेट करूँगा इसको और ऊपर जाने दीजिए, फिर देखता हूँ। दोपहर के 1:07 हो चुके हैं। निफ्टी ने एक काफ़ी छोटा सा रेंज बना लिया है, 10,340 के आसपास से लेकर 10,350 से 355 तक, और उसके चलते किसी भी स्टॉक में मूवमेंट नहीं हो पा रही है। इस मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी रिस्की है, जैसा कि मैंने सुबह से ट्राई किया। किसी भी शेयर में मैंने स्टॉप लॉस की तरफ तो मूव करता है, लेकिन टारगेट की तरफ मूव नहीं कर पाता। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और 295 रुपये 85 पैसे लॉस में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। एनपी ने और इंडेक्स ने एक लंबा रेड कैंडल बनाया है, तो एनपी का पैटर्न टूट गया, ये वापस इसने खींच लिया सारा। दोबारा से एनपी में मुझे लॉस हुआ। वॉच करूंगा, कोई सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर से लाइव आऊंगा। एक सेल अपॉर्चुनिटी है हिंडालको में, मैं सेल करूंगा
ब्रैकेट ऑर्डर से 500 शेयर रेट होगा 242 रुपये, स्टॉप लॉस 1.5 रुपये का, और टारगेट ₹2 का। स्कैंडल के हाई पे बाय करने की कोशिश, 241.60 पे 500 शेयर मैं सेल कर रहा हूँ। सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। टारगेट 243.60 रुपये का और स्टॉप लॉस है 243.10 रुपये का। ये भी स्टॉक उम्मीद के विपरीत डायरेक्शन में बढ़ता हुआ, इसमें ₹1 का स्टॉप लॉस है और ₹2 का प्रॉफिट। स्टॉप लॉस के करीब ये भी टाइम लेगा, तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। मैंने अपना स्टॉप लॉस अपडेट कर दिया है, 242.40 रुपये पे मैं लॉस बुक कर रहा हूँ। ₹80 का लॉस यानी ₹400 का लॉस। एग्जीक्यूट हो गया। ₹695.85 का टोटल लॉस। आज मैंने ट्रेड भी ज़्यादा किया और सब मैक्सिमम में मैंने लॉस बुक किया है, तो मुझे आज ब्रोकरेज भी ज़्यादा देना होगा, 1,200 रुपये तक का लॉस। ₹650 तक मेरे पास मार्जिन अवेलेबल होगा नेक्स्ट वीक के लिए, 6,500 तक, 6,500 तक।
मुझे एक अच्छा ट्रेड मिला आज के दिन। एक महिंद्रा में मैंने सेल किया है 200 शेयर 505.80 रुपये के प्राइस पे, और करेंटली मेरा स्टॉप लॉस भी सेम प्राइस पे है। जैसे जैसे स्टॉक नीचे की तरफ मूव करेगा, मैं अपना स्टॉप लॉस भी नीचे की तरफ मूव करता जाऊंगा। रुपए और नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस मूव करता हूँ। तो 3 रुपए के आसपास मुझे इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैं ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया, मुझे सिस्टम छोड़ के जाना पड़ा था। 170 रुपये टेक महिंद्रा में और NMDC में 50 रुपये, टोटल 798.50 रुपये लॉस में मैं आज का दिन क्लोज कर रहा हूँ। मार्केट भी अब क्लोज होने वाली है। इस वीक मैंने अपने कैपिटल को कम कर लिया, लगभग 7-7.5 हज़ार से मैंने शुरुआत की थी, और अब लगभग 6 हज़ार के आसपास मेरे पास बच जाएंगे। तो आई होप नेक्स्ट वीक मार्केट कुछ स्टेबल हो जाए तो फिर मैं अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करूं। 15 दिसंबर शुक्रवार शाम के 2:54 हो चुके हैं, और मैं अपना ट्रेडिंग सेशन आज क्लोज कर रहा हूं। ट्रेडिंग के लिए मैं जीरोधा का कार्ड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता हूं। इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स और ज्वाइनिंग लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। हैप्पी वीकेंड, कीप लर्निंग, कीप रनिंग, बाय बाय।